और सवाल ये कि क्या जल्द आएगा हजारों अभ्यर्थियों का रिजल्ट, होंगी परीक्षाएं? आरक्षण के फंसे हुए पेंच के बीच हजारों परीक्षार्थियों की नजरें सरकार पर टिक गई हैं। डीओपी की क्लियरेंस के बाद फाइल अब मुख्यमंत्री के स्तर पर भेज दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण कोटे को लेकर हो रही है ये पूरी देरी। कर्मचारी चयन बोर्ड के कई रिजल्ट भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई है। अब हर किसी को उम्मीद है कि किसी भी वक्त आ सकती है खुशखबरी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तैयारियां पूरी है, बस सरकार के क्लियरेंस का इंतजार हो रहा है। नए शिक्षा सत्र की प्रवेश सीटों को लेकर भी खत्म होगी उहापोह। बड़ी खबर, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तैयारियां पूरी है, बस सरकार के क्लियरेंस का इंतजार हो रहा है। नए शिक्षा सत्र की प्रवेश सीटों को लेकर भी खत्म होगी अब उहापोह। सवाल कि क्या जल्द आएगा हजारों अभ्यर्थियों का रिजल्ट, होंगी परीक्षाएं? आरक्षण के फंसे हुए पेंच के बीच हजारों अभ्यर्थी की नजरें अब सरकार पर टिक गई हैं। डीओपी की क्लीयरेंस के बाद फाइल अब मुख्यमंत्री के स्तर पर भेज दी गई है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण कोटे को लेकर देरी हो रही है। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड के कई रिजल्ट भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई है। अब हर किसी को उम्मीद है कि किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तैयारियां पूरी है, बस सरकार के क्लियरेंस का इंतजार हो रहा है। नए शिक्षा सत्र की प्रवेश सीटों को लेकर भी उहापोह खत्म होगी। मदन, इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। मदन, क्या लग रहा है कि जल्द से जल्द खुशखबरी आ सकती है? उम्मीदें तो यही हैं। जी बिल्कुल, बहुत पेचीदा इश्यू बना है। पिछले 3-4 माह से कर्मचारी चयन बोर्ड के बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं। करीब कई परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए हैं। इसके अलावा जो परीक्षाएं होनी है वो अटकी हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड का साफ तौर पे ये कहना है कि डीओपी में ये मामला विचाराधीन है। डीओपी से ये फाइल फिलहाल क्लियर होकर मुख्यमंत्री के स्तर तक पहुंच चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो पेश है उसको निपटा लिया जाएगा और जल्द से जल्द वहां से क्लियरेंस मिलते ही ये सभी रिजल्ट जारी हो जाएंगे। और इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाएं जो पेंडिंग पड़ी है उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड सिर्फ इस इंतजार में है कि सरकार की ओर से उन्हें हरी झंडी मिल जाएगी। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जल्द से जल्द उम्मीद तो यही है कि सरकार के क्लीयरेंस का इंतजार हो रहा है और जैसे ही सरकार का क्लीयरेंस मिलता है मुख्यमंत्री के स्तर पर इंतजार हो रहा है और वैसे ही ये समझ लीजिए कि सारी जो उहापोह है ये खत्म हो जाएगी।